बिजली डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, बिजली डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, जेएनके ड्यूटी प्रशासन मुर्दाबाद, जेएनके ड्यूटी प्रशासन मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद, 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 जेएनके ड्यूटी प्रशासन आज जो हमारा प्रदर्शन है नेशनल हाईवे शन रोडियम के ऊपर है। ये बिजली डिपार्टमेंट ने पिछले 2 महीने से जो लोगों को हरास किया है उस परेशानी के खिलाफ है। हम जेएनके ड्यूटी प्रशासन से बिजली डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी नुमाइंदा हो उन्हें ये कहना चाहते हैं, आह्वान करना चाहते हैं, पिछले 2 महीने से हमारे लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तड़फ रहे हो और पिछले जेएनके में पिछले 2 महीने से लगातार लोग महिलाएं बूढ़े बुजुर्ग बच्चे लगातार पिछली गर्मी 50 और 45 डिग्री का जो टेम्परेचर है कड़ी धूप के बीच जो लोग घरों के अंदर से बाहर नहीं निकल पाते वो 45-50 डिग्री के टेम्परेचर में आज नेशनल हाईवे पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये महिलाएं हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, बुजुर्ग लोग हैं, आज इतने परेशान और हराश हो चुके हैं। अगर शराब की दुकानें खुलवानी हो, शराब पिलानी हो उन लोगों को, तो उनके लिए जितनी मर्जी इन लोगों से दुकानें खुलवा लो, पर पानी की बूंद बूंद के लिए जो लोग तरफ रहे हैं, आज लोगों को नशे की परेशानी है, आज लोगों को हर चीज की परेशानी है, पर सरकार का इन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं है जो लोगों के जेन्युइन मुद्दे हैं। जो सरकार लोगों को पानी नहीं पिला सकती और मजहब के नाम पे सियासत करती हो, ऐसी सरकार को हम आने वाले दिनों में पलटा भी करवाएंगे और ऐसी सरकार के खिलाफ अगर सरकार ने 2-3 दिनों के अंदर अंदर हमारी नहीं सुनी, इस मांग को नहीं सुना कि हमें 24 में से कम 20 घंटे तो बिजली चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आज बच्चों की पढ़ाई भी चल रही है, बच्चे घर में बैठे हुए हैं, अगर स्कूल में होते तो स्कूलियात जो इंतजामियात है उन्होंने कोई ना कोई उनके लिए इंतजाम किए होते, पर आज बच्चे घरों में बैठे हुए हैं, पढ़ाई का टाइम है और हर चीज का नहाने का धोने का, जब लाइट नहीं होगी तो लाइट की वजह से हजारों परेशानियां होगी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ अगर 2 दिन के अंदर अंदर सरकार ने इस पे कोई ना कोई संज्ञान नहीं लिया तो शरेआम बता देना चाहता हूँ धरना प्रदर्शन होगा, प्रोटेस्ट होगा। इसी नेशनल हाईवे को हम पूरा दिन पूरी रात जब तक ये उनके ड्यूटी प्रशासन बिजली का हल नहीं करेंगी तब तक हम जहाँ पे बैठे रहेंगे। ये आह्वान करना चाहता हूँ ड्यूटी गवर्नमेंट। आज का जो हमारा प्रोटेस्ट है वो बिजली और पानी के लिए, क्योंकि बिजली का इतना बुरा हाल है कि पूरे दिन में सिर्फ 10 मिनट आती है और पूरे दिन बत्ती गुल रहती है। मेरा ये एलजी प्रशासन से ये गुहार है कि इसका कुछ संज्ञान लें, नहीं तो आने वाला समय वो आपके लिए भी बुरा होगा तो हमारे के लिए तो है ही है, लेकिन आपके लिए बहुत बुरा होगा क्योंकि हमने रोज काम करना है। आज हमारा जो प्रश्न था बहुत शांति दी के अपना सता कि हम कोई हल्ला गुला ना करें, रोड जाम ना करें, आने वाला समय हम रोड जाम करेंगे, सिर्फ आपका टाइम दिया हमने 24 घंटे का, उसके बाद अगर हमारे लाइट के बारे में बिजली के बारे में कोई संज्ञान ना लिएगा तो हम रोड पे बैठ जाएंगे, टेंट लाके बैठेंगे और आपके लिए बहुत परेशानी का सबब बनेगा। नंबर 2 पर हमें ना बिजली मिलनी है, बिजली नहीं तो पानी कहाँ से मिलेगा, बिजली आए तो पानी मिलेगा। और 6 महीने से ये मेरा काम चल रहा है, आधी से ज्यादा दुनिया हमारी टैक्स मर गई है। अगर झूठ हो तो सीआईडी वाले आके गांव में इंक्वायरी करें, कुछ हमारे बुजुर्ग क्या, जवान क्या, दर्दों पड़े अंदर मरीज पड़े हुए हैं, टैको के मरीज बने हुए हैं। और हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि ये काम जल्द से जल्द बिजली का पूरा करें, क्योंकि हमें आगे से भी जनता से वोट लेने हैं।